हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ललित कुमार और आप देख रहे हैं फोकस ऑन चार्टेड अकाउंटेंट। इस चैनल पर मैं सीए से रिलेटेड सारी अपडेट्स और नॉलेज डालता रहता हूं। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं केस स्टडी, किसके ऊपर करने जा रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के ऊपर करने जा रहे हैं। ये वीडियो मैंने आप लोगों के कमेंट के ऊपर ही बना रखा है कि आप सब कमेंट करके कह रहे थे मेरे से कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पे हमको क्या चाहिए, केस स्टडी चाहिए। तो मैं आपके सामने आज केस स्टडी करवाने जा रहा हूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज आपके सामने जो ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, मिस्टर डी सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर ई फॉर रुपए 5 लाख ऑन 15 डे क्रेडिट। Mr. D delivered the goods on due date. Mr. E refused to pay for it. State the position and rights of Mr. D as per the Sale of Goods Act 1930. ये हमारा आज का क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्या बोल रहा है इसमें मिस्टर डी, क्या है मिस्टर डी है, ये हमने बना दिया मिस्टर डी। सोल्ड गुड्स सम गुड्स टू मिस्टर ई, उसने क्या करा मिस्टर ई को गुड्स सोल्ड करे, इसने सोल्ड करा, ठीक है, ई को कितने रुपए के लिए, 5 लाख रुपीस के लिए फॉर 15 डे क्रेडिट, ठीक है। 15 दिन की उधारी पे उसने 5 लाख का माल मिस्टर डी ने किसको भेज दिया, मिस्टर ई को। तो इस केस में आपको पता चल गया होगा बायर कौन है और सेलर कौन है। ये हमारा सेलर हो जाएगा और मिस्टर ई हो गया हमारा बायर, ठीक है। ऑन ड्यू डेट मिस्टर डी ने ये गुड्स डिलीवर कर दिया ऑन द ड्यू डेट, जब वो डेट आनी थी तो डिलीवर कर दिया ड्यू डेट पे, क्या कर दी डिलीवर्ड कर दिया। बट इस केस में क्या बोल रहा है, मिस्टर ई ने रिफ्यूज्ड कर दिया टू पे फॉर इट। मिस्टर ई ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया पे। इसको क्या देना था, प्राइस देना था कितने का, 5 लाख का, लेकिन मिस्टर ई ने क्या कर दिया, रेफ्यूज कर दिया प्राइस देने के लिए। तो इस केस में मिस्टर डी के पास क्या राइट्स है अगेंस्ट मिस्टर ई से, तो इस केस के अंदर हमारा कौन सा प्रोविजन अप्लाई हो रहा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने ये समरी चार्ट बना लिया है, उसके बाद आप देखते हैं कौन सा प्रोविजन इसके अंदर अप्लाई हो रहा है। तो इसके अंदर As the provision of sale of goods act 1930, यहां पे हमारा अप्लाई हो रहा है। यहां पे मिस्टर डी सेलर है जो कि, मिस्टर ई क्या है बायर है, मिस्टर ई ने क्या कर दिया प्राइस देने से रिफ्यूज कर दिया, तो मिस्टर डी के पास क्या राइट है मिस्टर ई से, तो यहां पे अप्लाई होता है राइट्स ऑफ सेलर अगेंस्ट बायर, क्या राइट्स है ऑफ सेलर अगेंस्ट बायर से, ठीक है, क्या राइट्स है ऑफ सेलर के अगेंस्ट बायर टू। सबसे पहले इसके अंदर कितने राइट्स आते हैं बायर के पास, तो सेलर के पास कितने राइट्स है बायर से कि वो क्लेम कर सकता है। सबसे पहला सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, दूसरा यहां पे आता है हमारा क्या, सूट फॉर इंटरेस्ट, तीसरा पॉइंट आता है हमारे यहां पे सूट फॉर प्राइस के लिए क्या कर सकते हैं सूट, और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो वो रेपुडिएट दी कॉन्ट्रैक्ट, और फिफ्थ पॉइंट आता है डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, क्लेम फॉर डैमेजेस,
तो इस केस के अंदर वो क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एज द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर हमारा अप्लाई हो रहा है राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट बायर, तो सबसे पहले वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है सूट फॉर इंटरेस्ट, सूट फॉर प्राइस, रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम फॉर डैमेजेस। तो इस केस में वो क्या कर सकता है, प्राइस के लिए क्लेम कर सकता है। तो मिस्टर डी, यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, मिस्टर डी क्या क्लेम कर पाएगा मिस्टर ई से, तो यस मिस्टर डी क्लेम फॉर द अमाउंट ऑफ रुपए 5 लाख फ्रॉम द सेलर। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन हो गया। इसी की वजह से हमारा ये डिफिकल्ट था, यहां पे मिस्टर डी क्लेम कर सकता है मिस्टर ई पे 5 लाख रुपीस के लिए। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको लिखना है प्रोविजन कौन सा अप्लाई हो रहा है, ये डायग्राम बनाना और फिर कंक्लूजन देना है। तो इसके अंदर आपका एक मार्क्स भी कोई काट नहीं सकता। अगर आपको अच्छी तरह याद भी नहीं है, जैसे कोई याद करते हैं क्वेश्चन के इस स्टडीज को, याद करने की इसके अंदर कोई जरूरत ही नहीं है, आपको ये जो याद होंगे राइट क्या क्या है सेलर के ऊपर वो लिख के आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, यहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, कोई भी मार्क्स मिस नहीं होगा। ऐसी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। और एक चीज ना करें, क्या इसको पढ़ते समय आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसको ना लिखें, तो इसको लिख लें अपनी कॉपी में। ठीक है, ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन को नहीं लिखना है, आपको लिखने से ज्यादा केस स्टडीज समझ में आती है, ऐसा मेरा मानना है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चे इस वीडियो को देख के मोटिवेट या उनसे सीख ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के संग। थैंक यू।